हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता कृषि मेड जर्नी। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पोहा। और आज ये वीडियो होने वाला है पूरा कुकिंग के ऊपर, कुकिंग कुकिंग कि मैं दिन में क्या कुकिंग करती हूँ। तो आज की पहली शुरुआत है, नाश्ता बना रही हूँ मैं, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बन रहा है पोहा। तो मैंने पोहे की सारी तैयारी कर दी है, तो दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। आइए, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने पोहा जो है पानी में धो लिया है और ऐसे इस तरीके से हो चुका है, खुला खुला देखिए। और यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, बीन्स छोटी छोटी काटी है, गाजर छोटा छोटा काटा है, हरा मिर्ची छोटा छोटा काटा है, ये है हरा कड़ी पत्ता, प्याज छोटा छोटा काटा है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी छोटे छोटे काट लिए हैं, ये है धनिया जो हम बाद में गार्निश करेंगे, और ये है काजू और किशमिश जो अभी हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल भी जो है गर्म हो चुका है और यहाँ पे घी भी है गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे हम हमारा काजू घी में, ये यहाँ पे फ्राई हो जाएगा, और किशमिश जो है तेल में फ्राई हो जाएगा। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि तेल गर्म हो चुका था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है। ये देख सकते हो कितना मस्त हो रहा है। अब हम इसको निकाल लेंगे। क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा हैंडल कर रही हूँ और एक हाथ से कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसे करके निकालना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा काजू भी जो है, गैस बंद कर दी मैंने क्योंकि घी जो है गर्म हो चुका था, तो फिर से इसको ऑन करती हूँ। और ये और इससे हम थोड़ा तेल और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है फ्राई हमारा काजू, हल्के आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और फ्राई हो जाए। और यहाँ से निकालेंगे हमारे मसाले, तो यहाँ पे तेल भी जो है गर्म हो चुका है, इसको हम कम कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे राई, तो यहाँ पे हमारा काजू जो है फ्राई हो रहा और यहाँ चटक मटक शुरू हो गई है। राई अच्छे से फूट गई है, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम ऐड करेंगे इसमें मिर्ची, करी पत्ता, फिर ऐड करेंगे हम ये अनियन। फ्लेम को हाई कर देंगे, गाइस यहाँ पे जो है हमने अनियन जो डाला था वो फ्राई हो चुका है। अब हम डालेंगे बाकी सब्जियाँ जो हमारे हमने काट के रखी है, तो चलिए ऐड करते हैं। अब हम ये सारी सब्जियाँ डाल देंगे इसमें, देख सकते हैं अनियन फ्राई हो चुका है। थोड़ी पक गई है सब्जियाँ,
फ्लेम को हाई करेंगे और इसको 5 मिनट तक पका देंगे। सब्जियों को, सब्जियों की क्वांटिटी देखिए आप कितनी ज़्यादा है, इसलिए ये वेजिटेबल पोहा है। तो अब हम इसको पकने देंगे, तो अब हम इसको भी पकने देंगे 5 मिनट तक। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर और फिर मसाले, तो इसको पकने देते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है टमाटर, अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ये हल्दी 1 छोटा चम्मच और ऐड करेंगे हम नमक, नमक स्वाद अनुसार हमेशा। फिर ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हल्की सी मिर्च पाउडर, फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा धनिया, और अब हम थोड़ा पकने देंगे। इसमें मसाले तो कुछ नहीं डलते हैं, मसाले बस ऐसे ही, देख सकते हो कितना कलरफुल और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है हमारा वेजिटेबल्स। तो इसको 2 मिनट और पकने देंगे क्योंकि टमाटर को गलने देंगे थोड़ा सा। फिर हम इसको ऐड करेंगे हमारा ये पोहा जो हमने सोक करके रखा है, और यहाँ पे हमने हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे हैं, किशमिश और काजू। इसको 2 मिनट तक पकने दूंगी टमाटर को, फिर उसमें ऐड करेंगे हम हमारा पोहा जो हमने भिगो के रखा है, और मैंने एक काजू खाया जो बहुत अच्छा लग रहा है फ्राई होके। तो गाइज हमारी जो टमाटर है वो गल चुका था थोड़ा, मैंने इसमें ऐड कर दिया ये पोहा, अब मैं इसको घुमाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैंने पोहा जो है मिक्स कर लिया है और मैं उसको दिखा देती हूँ, इसकी शक्ल आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है इसकी शक्ल। तो ये देख लीजिए हमारे कलरफुल पोहे की शक्ल। हम इसमें ऐड कर देंगे अब ये किशमिश, काजू मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मेरी मैम की डॉक्टर को काजू से एलर्जी है, तो मैं इसको बाद में ऐड करूँगी, किशमिश मैं अभी ऐड कर देती हूँ। तो ये हमारा पोहा जो है बनके रेडी है। तो मेरा कलरफुल वेजिटेबल पोहा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना कि कितना हेल्दी है ये बनाने में भी और खाने में भी। तो बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और मैंने बाकी जितनी भी कुकिंग की है वो कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। चलिए मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ ब्लैक पेपर चिकन। तो मैंने इसके लिए 3-4 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा आधा पीस अदरक और 3-4 हरी मिर्च, और ये रहा दही जो मैंने फेंक लिया है, और ये रहा चिकन जो धो के रखा है, और ये रहा नींबू, और ये है ब्लैक चिकन जो हम इसी चिकन में मिक्स करने वाले हैं, और ये रहा नमक मसाले। ये देखिए ये हमने मसाला जो है पीस लिया मिक्सी में, अब हमने दही में ऐड कर दिया चिकन, चिकन में ऐड किया हमने जो मसाला पीस के रखा था, और अब हम ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर पिसा हुआ, और ऐड करेंगे साथ ही में नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम ऐड करेंगे नींबू, और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और इसको मैरिनेट करके कम से कम आधा घंटा रख देंगे, आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, मैंने आधा घंटा रखा है। तो गाइस मैंने लिए हैं 2 प्याज, आधा अदरक और 2 मिर्ची, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे इसमें, और फिर बाकी आगे का काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे चढ़ा दी हमने दाल, और ये रहा तेल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में, और ये अभी मक्खन डालना है उसमें थोड़ा सा। और यहाँ पे लिए मैंने कुछ खड़े मसाले, जावित्री, इलायची, सिनेमन, ब्लैक पेपर, और ये दालचीनी पत्ता।
सॉरी दालचीनी ये है, इसको तेज पत्ता। अब इसमें मक्खन डाल देते हैं। तो इसके बाद डाल देंगे सारे खड़े मसाले। फिर इसके बाद डाल देंगे हम ये मसाला जो हमने मिक्सी में प्याज टमाटर वाला प्याज और इसमें डालेंगे हम नमक, हल्दी, बस। अब इसे कुकर को बंद कर देंगे, ये मसाला भून लेंगे अच्छे से। तो गाइज़ यहाँ पे दाल बन रही है, यहाँ पे ये मसाला भून रहा है, जो ऑलमोस्ट भूनने वाला है। और यहाँ पे बना रहे हैं हम कस्टर्ड, इसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है और ये है 1 लीटर दूध, जो अभी मैं इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे साथ ही साथ और ये कस्टर्ड भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। वो दूध अच्छे से बॉईल हो जाए और ये गर्म हो जाए, अच्छे से बॉईल हो जाएगा दूध, फिर उसके अंदर हम ये कस्टर्ड डालेंगे। ये हमने ठंडे दूध में कस्टर्ड मिक्स किया है, गर्म दूध में नहीं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे दाल भी बॉईल हो चुकी है, ये मसाला भी ऑलमोस्ट भून चुका है। और 5 मिनट होने का, फिर इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है इसको डालेंगे। तो गाइज देख सकते हो आज मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, मल्टीपल काम कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए जो आप लोग को दिखाया भी नहीं। और आज का दिन पूरा काम काम वाला दिन है और आज बच्चों ने भी बहुत तंग करके रखा है, इतना तंग कर रहे हैं ना बच्चे जिसकी हद नहीं, बहुत सारा काम है और ऊपर से बच्चे भी तंग कर रहे हैं। पेशेंस के साथ बस कर रही हूँ सारा काम, कभी कभी भगवान मतलब पेशेंस की ना ले लेता है। चलिए दिखाती हूँ, अभी ये चिकन है और ये मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा कस्टर्ड भी जो है ठंडे पानी दूध में मिक्स करके रखा है हमने, और ये रही चीनी 1/4 कटोरी, छोटी कटोरी है, और ये रहा दूध भी जो है ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो बस इसमें इसको मिक्स करते हैं इससे। और आज सुन सकते हो आज मेरे घर में मेरी बच्ची जो है, मेरी मैम की डॉटर, चीनी को इसका डाल दिया हमने। और ये रहा हमारा चिकन भी जो है गैस तेज कर रखा है।
यहाँ पे दूध हो रहा है, यहाँ पे चिकन हो रहा है, यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी है और अब जो है मुझे दाल का तड़का रेडी करना है, तो मैं वो रेडी करती हूँ। सो देख सकते हो गाइस, मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और ये अब थोड़ी देर बॉईल होएगा, थोड़ा सा पकेगा और थोड़ी सी थिकनेस आएगी, फिर हम इसको बंद करेंगे। और यहाँ से साइड से मैं आपको दिखा रही थी, मेरे हाथ पे चटके लग रहे थे इसके, चप चप चप। तो गाइज मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इसमें मसाले क्या क्या डालने वाली हूँ। ये हरी और लाल मिर्च है जिसको मैंने थोड़ा ऐसे काट लिया है साइड में, और ये है धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, और ये है कस्तूरी मेथी जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे इसके अंदर ऐसे, और ये थोड़ी कस्तूरी मेथी भी डाल देंगे ऐसे, और फिर मैं आपको इसको अच्छे से मिलाने के बाद दिखाती हूँ। तो गाइस अब डालेंगे हम इसमें ये मलाई थोड़ी, ये घर की मलाई है, और ये धनिया पाउडर, और ये जो हमारी थोड़ी कसूरी मिर्च भी बची थी वो वाली डाल देंगे। और ये देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और ये मसाले। अब जो इसमें जो कलर है ये इस क्रीम से आएगा, तो पहले हम इसको डाल देते हैं। सॉरी गाइस, ऐसे नहीं डाला जाता है, पर मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो मैं मैनेज कर रही हूँ। और अब हम डाल देंगे क्रीम। तो गाइस देख सकते हो मैंने सब कुछ डाल दिया, अब मैं इसको 5 मिनट जो है ढक दूंगी और पकने दूंगी, उसके बाद जो है हमारा चिकन तो रेडी हो जाएगा। और साथ साथ मैंने बच्चों का बाय बाय बनाया है, अंडा बनाया है, दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख लीजिए, यहाँ पे सनी साइड अप अंडा बन के रेडी है, वहाँ पे वाई वाई बन के रेडी है, और यहाँ पे प्लेटें रेडी हैं दोनों बच्चों की। चलिए जी उनको खाना दे देते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे दे रहे हैं हमारी दाल को तड़का। मैंने इसमें ऑयल में लहसुन डाल दिया, 2 कलियाँ लहसुन की बारीक बारीक काट के। अब हम डालेंगे इसमें जीरा और मैंने काट के रखा है अनियन, और ये लाल हरी मिर्च दोनों। तो गाइज कितना पसीना, बाप रे किचन में काम। तो गाइज आपको दिखा दूं कि मैंने प्याज फ्राई होने के बाद इसमें डाला है टमाटर, और टमाटर के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सारे थोड़े से मसाले। कौन कौन से मसाले डालती हूँ दिखाती हूँ। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर प्लस, और हम इसको घुमा देंगे। इसको थोड़ा पकने देंगे टमाटर को। तो गाइस देख लीजिए हमारा मसाला जो है रेडी है, अब हम इसमें डालेंगे ये बॉइल्ड दाल।